बहुत दिनों से मेरे चैनल पे आप सभी राजस्थान के बारे में अपडेट मांग रहे थे और राजस्थान क्रिकेट ट्रायल के बारे में जानकारी चाह रहे थे। तो आज का वीडियो पूरा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर होने वाला है, तो आप सभी को राजस्थान के बारे में आपको जानने को मिलेगा और ट्रायल की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। राजस्थान में एक ट्रायल है कोलविनशील्ड, जो सीनियर एज ग्रुप में खेला जाता है। सीनियर यानी कि 23 और सीनियर जो रणजी ट्रॉफी के लिए ट्रायल दे रहे हैं उनके लिए भी ये टूर्नामेंट खेला जाता है। रिसेंट में अभी चुनाव खत्म हुए हैं, चुनाव के बाद अभी सिलेक्शन कमेटी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ये जो जानकारी निकल के आई है, अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो अभी रिसेंट में जो जानकारी निकल के आई है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में कैंप चल रहे हैं, जो 1 मई से 15 मई तक कैंप चल रहा है, और जो कोलविनशील्ड टूर्नामेंट है उसका शेड्यूल 20 मई से आएगा। इसके बाद अंडर 16 स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आप कोलविनशील्ड की बात करें तो 1 जून से इस टूर्नामेंट शुरू होना है और राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपनी लोकल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जरूर संपर्क करते रहें, ताकि आपको जो टीम बना के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कोलविनशील्ड के लिए भेजेगा वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगे पीछे ट्रायल करा लेगा। तो ये पूरा मंथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल होने वाले हैं। अब आपको आपके मन में जो होगा कि राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उनका एड्रेस या उनके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी, तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में उनके बारे में बहुत सारी डिटेल जैसे नंबर एड्रेस ये सब अपडेट कर रखा है, तो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। और अगर आप अलग से कोई कोशिश करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा और ट्रायल की इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़पेपर में आएगी, आप उसमें पढ़ सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर जो आपके पास आता हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जानकारी दे पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी कभार सोशल मीडिया में वो जानकारी अपलोड नहीं होती। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, आपको ये ट्रायल्स देने का मौका नहीं मिलेगा। कोई नहीं बता सकता, कोई भी कुछ कर नहीं सकता, खासकर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अलावा कोई खबर दे ही नहीं सकता आपको, क्योंकि राजस्थान जो खबर आती है वो हरियाणा की तरह ही होती है कि वो एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आएगी या सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आज ट्रायल है, आपको पहुंच जाना है। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लोकल एड्रेस प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ये ट्रायल वही दे सकते हैं जो राजस्थान में परमानेंट रह रहे हैं और वहाँ के मूल निवासी हैं, वो सब ट्रायल दे सकते हैं, या वहाँ पे जो 3 साल से ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये ट्रायल देने को मिल जाएगा, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरी प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन में देर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको बता दूं। और इस महीने पूरी ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 1 जून से टूर्नामेंट स्टार्ट है, अंडर 16 के भी मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, कोलविनशील्ड भी चलता रहेगा, तो आप मिस मत करिए इस ट्रायल को। अगर क्रिकेट में करियर बनाना है तो आप लगातार टच में रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी और साथ में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन भी टच में रहे, ताकि उनसे भी जानकारी आपको मिल जाए। और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की तरह जैसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, वैसे बहुत सारे क्रिकेट एसोसिएशन है 4-5 दिन पहले जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है जो जानकारी बहुत लेट देते हैं, 1 दिन पहले देते हैं या कुछ घंटे पहले देते हैं, तो आपको बने रहना पड़ेगा वरना आपका साल बर्बाद हो जाएगा और ये ट्रायल्स मिस हो जाएंगे। ऐसे ट्रायल्स के बारे में जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऑन नहीं किया जिसकी वजह से उनके पास अपडेट नहीं पहुंच पा रही। तो अपडेट नहीं पहुंच पा रही उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो अपना काम पूरी तरफ से कर रहा हूं। अगर आप भी अपना काम पूरी तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप बिछड़ेंगे नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।